कभी आपने सोचा है फोटोज में लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है? इन सभी फोटोज को देखो, ये क्यों इतनी स्पेशल लग रही है? क्योंकि इनमें लोकेशन बहुत ही परफेक्ट है। और ये परफेक्ट लोकेशन होती क्या है, हम कैसे ऐसी लोकेशन को ढूंढ सकते हैं? डोंट वरी, ये सारी लोकेशंस आपके घर के आसपास ही होती है, लेकिन आप लोग इसको कभी नोटिस नहीं करते हो, पर कुछ लोग हैं जो नोटिस करते हैं। देखो, मैं भी पहले आप ही की तरह फोटो शूट के लिए परफेक्ट लोकेशन में जाया करता था, जो कि बहुत ही फेमस हो घूमने फिरने के लिए एंड फोटो शूट के लिए, जैसे अपने चंडीगढ़ में सुखना लेक है, एलांटे मॉल है, रोज गार्डन है, ऐसे लोकेशंस पर। लेकिन यहाँ पर शूट करने की दिक्कत पता क्या होती है कि ऐसी लोकेशन पर एक तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, एंड सेकंडली यहाँ पर हर बंदा फोटो क्लिक कर रहा है, तो आपकी फोटो में स्पेशल कोई फ्रेम बचता नहीं है, सारे फ्रेम्स लोगों ने पहले ही कैप्चर कर लिए, तो आपकी फोटो स्पेशल कैसे आएगी? इसलिए मैं आप शूट करता हूँ कुछ ऐसी लोकेशंस पर जो कि फोटो शूट के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए फेमस ना हो। एंड आज की इस वाली वीडियो में आपको आपके आसपास की ऐसी कुछ 5 लोकेशंस बताऊंगा जहाँ पर जाके आप भी फोटो शूट कर सकते हो एंड बहुत ही अमेजिंग फोटोज क्लिक कर सकते हो। ये कुछ छोटे एंड बिल्कुल सिंपल से फ्रेम्स हैं जो कि सभी की सिटीज में होते हैं एंड जिनका यूज करके आप बहुत ही कमाल की फोटोज बना सकते हो। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, फटाफट से यार वीडियो को आप लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, एंड नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इरिस्पेक्टिव ऑफ आप किसी भी सिटी में रहते हो, आपके शहर में कार्स तो चलती होंगी, एंड जहाँ कार्स चलती है तो यार वहाँ पार्किंग की जगह तो होगी होगी, तो आपको कोई ऐसी जगह ढूंढ लेनी है जहाँ पर कि पब्लिक पार्किंग हो, जैसे किसी बिल्डिंग की पार्किंग हो सकती है, किसी कॉलेज की पार्किंग हो सकती है, या फिर किसी मॉल की पार्किंग, या किसी पार्क की पार्किंग, किसी चीज़ की पार्किंग होती है वो आपको ढूंढनी है। एंड ट्राई करना, अगर आपको अंडरग्राउंड पार्किंग मिल जाए तो बहुत ही अच्छी आपकी फोटो वहाँ पर आ सकती है। देखो, इस तरीके की पार्किंग में शूट करने के ना 2 फायदे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि पार्किंग में बहुत सारी कार्स एंड बाइक्स खड़ी होती है, तो जो भी आपकी फेवरेट बाइक या फेवरेट कार उस पर जाकर शूट करो और बिंदास फोटो क्लिक करवाओ। सेकंडली, अंडरग्राउंड पार्किंग बहुत ही डार्क एंड मूडी लगती है, तो इस टाइप की फोटो में आप बहुत ही मस्त डार्क एंड सिनेमैटिक टोन डाल सकते हो। यूजिंग अ स्मॉल एलईडी लाइट आप और भी कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। लास्टली, पार्किंग में बहुत सारे बोर्ड्स एंड साइंस होते हैं जो कि आपकी फोटो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कुछ फोटो जो हमने पार्किंग में क्लिक की थी, एंड ये अंडरग्राउंड पार्किंग की फोटोज है। यहाँ पर हमने एक बहुत छोटी सी एलईडी लाइट का यूज़ किया था एंड फोटो बहुत ही क्लासिक आई थी। यहाँ पे किसी की बहुत ही पुरानी सी एक एस्थेटिक कार खड़ी हुई थी, मतलब विंटेज कार, एंड उस पर हमने फोटो शूट किया, तो बहुत ही कमाल की हमारी फोटो आ गई थी। सेकंडली, ये वाली फोटो देखना, ये एक बाइक पर हमने शूट किया था, ये भी किसी की बाइक पार्किंग में खड़ी हुई थी, हमें अच्छे हमने फोटो क्लिक कर ली। तो ऐसे आप भी पार्किंग में बहुत ही कमाल की फोटोज क्लिक कर सकते हो, बट हाँ, किसी की बाइक या कार पर स्क्रैच मत मारना, मतलब पहले जाओगे। हाईवेज पर इस तरीके के रोड क्रॉसिंग ब्रिज बने होते हैं, एंड अगर आपकी सिटी में इस तरीके के ब्रिज नहीं है तो नॉर्मल पार्क्स वगैरह में ब्रिजेस तो होते ही हैं। अब ऐसे ब्रिजेस को सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये ब्रिजेस सिमेट्रिकल बने होते हैं, मतलब ब्रिजेस की लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बिल्कुल आइडेंटिकल होती है। एंड आपको तो पता है ये फोटो में सिमेट्रिकल चीज़ें कितनी अच्छी लगती है, जैसे ताजमहल को देख लो या फिर इंडिया गेट को देख लो, सिमेट्रिकल है इसलिए बहुत परफेक्ट लगता है। तो ऐसे ही सिमेट्रिकल ब्रिजेस का यूज़ करके आप भी बहुत ही एस्थेटिक फोटोज क्लिक कर सकते हो। जब भी आप ब्रिजेस पर फोटो क्लिक करो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, बस आपको अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल सेंटर में प्लेस करना है एंड फिर देखना क्या मस्त सिमेट्रिकल फोटो आती है। अगर आपके ब्रिज का बैकग्राउंड सिमेट्रिकल ना हो तो आप उसको बहुत इजीली एक पार्ट से कट करके उसको फ्लिप करके बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, आपकी फोटो बिल्कुल सिमेट्रिकल बन जाएगी। ये देखो कुछ फोटोज जो कि मैंने क्रॉसिंग ब्रिज पर क्लिक की थी, एंड इन सब में मैंने बैकग्राउंड को फ्लिप करके लगाया हुआ है एंड बहुत ही परफेक्ट लग रही है। तो अगर आप भी परफेक्ट सिमेट्रिकल फोटोज क्लिक करना चाहते हैं तो जाइए अपने घर के आसपास ब्रिजेस को ढूंढिए एंड फोटो शूट करिए। इंडिया बीइंग ए डेवलपिंग नेशन, यहाँ पे डेवलपमेंट तो चलता ही रहता है, एंड ये आप अपने घर के आसपास हो रही कंस्ट्रक्शन से पता लगा सकते हो। वेल, हमारे घर के आसपास बिल्डिंग्स वगैरह तो बनती ही रहती है, एंड इन बिल्डिंग्स को बनने में सालों लग जाते हैं, तो इसी बीच आप भी जाकर इन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में बहुत ही कमाल का फोटो शूट कर सकते हैं एंड बहुत ही एस्थेटिक फोटोज निकाल सकते हो। ऐसी बिल्डिंग्स में मुझे सबसे बेस्ट चीज क्या लगती है, ये डार्क ग्रे कलर की सीमेंटेड वॉल्स, इससे फोटो में एक बहुत ही न्यूट्रल सी वाइब आती है, प्लस ये सीमेंटेड वॉल का जो टेक्सचर होता है ये भी फोटो में बहुत ही अच्छा लगता है। काफी बार जब मुझे फोटो शूट के लिए कोई लोकेशन नहीं मिलती है तो हम अपने घर के आसपास ही कहीं अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में चले जाते हैं शूट के लिए, एंड हर बार वहाँ से बहुत ही अमेजिंग फोटो मिलती है। ये सभी फोटो मैंने ऐसी किसी बिल्डिंग में ले रखी है, एंड सी कितनी औसम सारी फोटो लग रही है। सो डेफिनेटली आप भी किसी ऐसी लोकेशन में जाकर फोटो शूट कर सकते हैं। यू ऑलरेडी नो कि फोटोज में बैकलाइट कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है। वेल, आप भी ये बैकलाइट अपनी फोटो में बहुत ही आसान तरीके से ले सकते हो, क्योंकि सनसेट आपके घर के आसपास हर जगह होता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अपने आसपास एक ऐसी लोकेशन ढूंढनी है जहाँ पे कि पेड़ों के बीच में से सनलाइट आपको दिख रही हो। जैसे मेरे पीछे देखिए, ये जगह है, यहाँ पर देखिए बहुत ही मस्त पीछे से बैकलाइट आ रही है, और इस वजह से पूरी ट्री ना बिल्कुल गोल्डन सी हो रही है। अब ये लाइट मेरी फोटो में बहुत ऑसम लगी, आपको वीडियो में दिख रही बहुत अच्छी लग रही है बैकलाइट, मतलब आपको अपने घर के आसपास एक सनसेट पॉइंट देख लेना है। जैसे मेरे सनसेट पॉइंट ये वाली लोकेशन है, ये बहुत ही सिंपल सी लोकेशन रोड के बिल्कुल साइड में, यहाँ पे फोटो क्लिक करते हैं। आपने बहुत बार यहाँ पे देखा होगा मुझे फोटो क्लिक करते हुए, यहाँ पे कोई खास स्पेशल कोई लोकेशन नहीं है फोटो शूट की, और किसी को इस जगह के बारे में पता भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सनसेट आता हुआ बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि इन ट्रीज के पीछे से लाइट आती है बहुत ही मस्त गोल्डन लाइट्स। जब भी आपको अपनी फोटो में सनसेट के साथ साथ एक बोके भी चाहिए तो मेक श्योर आपकी लाइट जो है ट्री के थ्रू आए, एंड फिर आपको बहुत ही मस्त एक राउंड एंड सर्कुलर बोके मिलेगा। तो इस टाइप की लोकेशन आप भी क्लिक कर सकते हैं। लास्ट एंड द बेस्ट लोकेशन, आपके घर की छत।
ये देखो मेरे घर की छत पे कितना मस्त व्यू है इस टाइम पे, क्योंकि बादल पीछे बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ऐसे आपके घर की छत से बहुत अच्छे अच्छे व्यूज दिख सकते हैं, दिन के टाइम पे बादल दिख सकते हैं, रात के टाइम पे आपकी सिटी की लाइट्स दिख सकती है, एंड ऐसे आप घर की छत पे बहुत ही अमेजिंग फोटोज क्लिक कर सकते हैं। ओनली थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपको मौसम का चेक करना है यार, किस टाइम पे कितना मस्त मौसम है। जैसे अगर बादल अच्छे आ रखे हैं तो उस टाइम पे आप अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हो बादल वाली, एंड अगर आपके घर में बारिश हो रही है तो छत पे आप बारिश वाली फोटो भी बहुत ही अमेजिंग क्लिक कर सकते हो। ये फोटो मैंने कुछ बारिश में ही क्लिक की थी, वो भी घर की छत पे ही, तो बहुत ही अमेजिंग फोटो हमारी आ गई थी। इसके अलावा रात के टाइम में बहुत प्यारी फोटो आती है, आप एक छोटी सी लाइट अगर यूज़ कर लो एलईडी लाइट, एंड बैकग्राउंड में आपकी सिटी की लाइट्स बहुत अच्छी बोके बनाती है, तो आपकी घर की छत आपके लिए बहुत ही बेस्ट लोकेशन हो सकती है फोटोशूट के लिए। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, एंड जो पांच लोकेशंस मैंने आपको बताई है इन सभी पे जाके आप भी ट्राई करोगे फोटोज़, एंड काफ़ी अमेजिंग फोटो आप भी क्लिक कर पाओगे अब। सो जो भी आपके दोस्त वैसे बहाने मारते हैं यार शूट पे क्या जाना लोकेशन तो पता नहीं है, तो उनको ये वीडियो भेजो, एंड फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब करो, एंड मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।